नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट बताऊंगा जो आप लोगों के ग्लूट को अट्रैक्टिव बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और साथ ही आप लोगों के ग्लूट्स को टोंड भी बनाने में आप लोगों की मदद करेंगे। तो ये सभी वर्कआउट्स जो हैं वो आप लोग सुबह उठकर करेंगे तो आप लोगों की जो मसल्स हैं वो अगर स्टिफनेस की शिकार हो जाती हैं तो प्लीज़ पहले वार्म अप कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ही आप लोग जो हैं अपने ग्लूट्स की एक्सरसाइज करें, कुछ स्ट्रेचिंग करें, तो उससे आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग और टोंड बनेंगे, ब्यूटीफुल बनेंगे। तो ये सभी वर्कआउट्स जो है आजकल ट्रेंड भी चला हुआ है, आप लोगों को भी पता है कि बॉडी की हर एक शेप को टोंड बनाना जो है वो आप लोगों की जिम्मेदारी बन चुकी है। क्योंकि हरनाथ संधू अभी आप लोगों को पता है कि मिस यूनिवर्स बनी है, तो बॉडी को टोंड बनाना सीख लीजिए और सुंदर होना भी सीख लीजिए, क्योंकि हेल्दी रहना ही सुंदर होना होता है। नंबर वन एक्सरसाइज है लेटरल लंजेस, जिसे आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। और 40 सेकंड के लिए आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों को फैला लीजिए। अब एक घुटने को एकदम जो है सीधा रखिए और दूसरे घुटने को थोड़ा सा टर्न कीजिए सामने की साइड में, तो इससे क्या होता है लेटरल लंजेस कंप्लीट हो जाता है। और इसकी जो टारगेट मसल्स अगर हम लोग देखें तो देखिए हेमिस्ट्रिंग मसल्स हैं, ग्लूट मसल्स हैं और आप लोगों की आप लोग कह सकते हैं थोड़ा वार्म अप भी आप लोग इसमें हो जाता है। तो इसमें अगर आप लोगों को नीज में प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जो है आप लोगों को लेनी है। ये वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। 10 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वर्कआउट के लिए चलना है। तो दूसरा वर्कआउट की ओर हम लोग चलते हैं, वो भी 40 सेकंड का आप लोगों को करना है। दूसरा वर्कआउट जो है वो है बैक किक विद स्क्वाट। बैक किक जो है आप लोगों को पीछे की साइड में किक लगानी है। टारगेट मसल्स होंगी ग्लूट मसल्स, हेमिस्ट्रिंग मसल्स और नीज आप लोगों की होंगी, तो नीज पर ज़्यादा फोकस पड़ता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपनी नीज का। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक स्क्वाट पोजीशन लेनी है और बैक लिक किक लगानी है और साथ में आप लोगों को रिवर्स लंजेस भी आप लोगों को इसमें शामिल करना है। सिंपल सी बात है, स्क्वाट कीजिए, बैक किक लगाइए, बैक लंजेस कीजिए, फिर बैक किक लगाइए, फिर जो है आगे की साइड में आप लोग स्क्वाट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसे आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है, ठीक है। अब आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से, यानी कि तीसरी एक्सरसाइज से चलने से पहले आप लोगों को रेस्ट लेना है, 10 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि मसल्स को आराम देना ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं एनिमल वॉक एक्सरसाइज की ओर। आप लोगों को झुक कर आगे की ओर चलना है और ये तीसरी एक्सरसाइज होगी जिसे आप लोग 40 सेकंड्स के लिए टारगेट करेंगे। तो टारगेट जो मसल्स होंगी इसकी, ग्लूट मसल्स होंगी, हेमिस्ट्रिंग मसल्स हैं, नीज हैं, कार्डियो एक्सरसाइज भी इसे आप लोग शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो हैवी वेट वाले हैं वो जो है इस टाइप की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो वो लाइट वेट में एक्सरसाइज जो है वो कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे एक मैसेज मिला था कि हम लोग ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो जिनसे होती हैं वही करें, जिनसे नहीं होती हैं वो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस के साथ जो है स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में अपनी बॉडी को लीन बनाने में आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। तो ये तीसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट। 10 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप लोगों की बॉडी टोंड होने वाली है। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, एनिमल वॉक विद स्क्वाट जंप। इसमें आप लोगों को सिंपल वॉक करनी है, जैसे कि आप लोगों ने इंच वॉर्म एक्सरसाइज किया होगा, उसके बाद में स्क्वाट करना है। ग्लूट, हेमिस्ट्रिंग मसल्स, नीज, कार्डियो एक्सरसाइज, ये इसकी जो है टारगेट मसल्स रहेंगी। तो आप लोगों को इंच वॉर्म एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि सीधा खड़े होकर नीचे झुककर आगे की ओर चलना है, प्लांक पोजीशन लेनी है, फिर दोबारा से उसी पोजीशन पर आना है, स्क्वाट करना है। तो ये एक्सरसाइज इस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट करनी है। और ये एक्सरसाइज आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करनी है, 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करनी है। काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है राइट साइड में, टॉप स्क्रीन के ऊपर, इसे आप लोग इस्तेमाल में लीजिए। अब दोबारा से आप लोगों की चार एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट। मसल्स को मजबूती देने के लिए रेस्ट जरूरी होता है, हमेशा कहता हूँ। नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज है ब्रीच, जो आप लोगों के पेल्विक पोर्शन पर ब्लड फ्लो को बहुत अधिक अच्छा करती है, साथ ही आप लोगों की बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम भी दूर करती है। तो टारगेट मसल्स ग्लूट रहेंगी, हेमिस्ट्रिंग मसल्स है, नीज है, कार्डियो एक्सरसाइज भी इसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं। 26 सेकंड हो चुके हैं, 40 सेकंड्स तक आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज करनी है। और इस एक्सरसाइज से आप लोगों को जो बैक पेन होता है, बहुत सारे लोगों को बैक फैट होता है, वो भी आप लोगों को रिमूव हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के पेल्विक पोर्शन पर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, साथ ही ग्लूट पर जो जमा हुआ फैट होता है उसे बाहर निकालता है, ग्लूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टोंड बनाने में आप लोगों की हेल्प करता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड्स के लिए।
अब 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और छठी एक्सरसाइज पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं। 10 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं और ये 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 6 एक्सरसाइज की ओर हम लोग चलते हैं, प्लांक स्क्वाट पोज। यह एक अजीब सा पोज है जिसे हम लोग प्लांक स्क्वाट पोज का नाम से जानते हैं। टारगेट मसल्स इसकी भी ग्लूट्स रहेगी, हेमिस्ट्रिंग मसल्स हैं, नीज हैं, कार्डियो एक्सरसाइज भी इसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों को सबसे पहले प्लांक पोजीशन में लेना है। प्लांक पोजीशन से उसके बाद में आप लोगों को आगे की ओर अपने पैरों को फैलाते हुए स्क्वाट पोजीशन लेनी है। तो इसका नाम ही हम लोगों ने इस प्रकार रखा है, प्लांक स्क्वाट पोज। प्लांक पोजीशन, फिर आप लोगों को स्क्वाट पोजीशन बनानी है। सिंपल सी पोज है और ये आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो इसमें टोंड बनने में आप लोग जो हैं इसमें आप लोगों को मदद मिल सकती है। 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, टोटल वीडियो 7th एक्सरसाइज के ऊपर होता है। 4 मिनट का टोटल वर्कआउट होता है, तो इससे आप लोगों को ग्लूट को एक मजबूती मिल जाती है, स्ट्रांगनेस मिल जाती है। तो ग्लूट को अगर आप लोग जो है स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं और एक शेप में लाना चाहते हैं, तो आप लोग ये प्लांक बैक की लास्ट एक्सरसाइज है, इसे भी करना ना छोड़ें। टारगेट मसल्स इसकी ग्लूट्स रहेगी, रेक्टस एब्डोमिन रहेगी, रेक्टस एब्डोमिन मसल्स रहेगी, आर्म मसल्स रहेगी। तो ये प्लांक पोजीशन, हाई प्लांक पोजीशन में लेकर आप लोगों को बैक किक करनी होती है। तो ये भी 40 सेकंड के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है और 40 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। तो बैक किक का जो अगर आप लोग देखें तो देखिए ग्लूट मसल्स जो है इसमें कितनी एक्टिवेट रहती हैं। तो एंगेज रहना है ग्लूट मसल्स को पूरे 7th वर्कआउट के अंदर, आप लोगों के ग्लूट्स जो हैं वह एंगेज रहेंगे और एंगेज रहेंगे तो आप लोगों की मसल्स जो हैं वहाँ पर मजबूत बनेंगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो व्हाट्सअप पर हो, चाहे वो किसी भी सोशल नेटवर्किंग पर हो, साइट पर हो, तो उसे आप लोग शेयर कर सकते हैं, उसे मैसेज कर आप लोग भेज सकते हैं। तो इससे आप लोगों को जो है ये वीडियो शेयर होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर करें ताकि वीडियो ट्रेंड में आ सके। तो अपने ग्लूट्स को सुंदर बनाइए, टोंड बनाइए और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।